B.K. Bansal, a senior officer in the Ministry of Corporate Affairs who was accused of corruption and was probed by the CBI, committed suicide with his son on 27 September by hanging themselves at their house. Earlier, his wife, 57-year-old Satya Bala, and 27-year-old daughter Neha, committed suicide on July 19. B.K. Bansal left a suicide note in which he wrote that his wife and daughter committed suicide just because of CBI's torture. Delhi Commission for Women served a notice to CBI seeking details about the action taken by the agency after top government official B.K. Bansal and his son committed suicide, allegedly due to harassment by few of its officials. Delhi Commission for Women chairperson Swati Maliwal held a press conference and gave 48 hours to CBI to furnish information about the probe. दिल्ली महिला आयोग ने इस केस के ऊपर स्वयं संज्ञान लेते हुए सीबीआई के डायरेक्टर को एक नोटिस इशू कराए और उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि वो अपने ऑफिसर्स के खिलाफ जिनके ऊपर ये इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं उनके खिलाफ वो क्या एक्शन दर्ज करेंगे, क्या वो एक एफआईआर दर्ज कर रहे हैं इन सबके खिलाफ और वो क्या प्रक्रिया अपनाएंगे जिससे कि ये पूरी की पूरी जांच जो होगी वो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो कि ये इसको पूरे को निष्पक्ष बनाएगी। तो निष्पक्ष जांच करने के वो क्या क्या करेंगे ये सारी डिटेल्स और ये सारी इंफॉर्मेशन दिल्ली महिला आयोग सीबीआई से मांग रहा है। सीबीआई को 48 घंटे का समय दिया गया है कि वो 48 घंटे के अंदर अंदर हमें जवाब दे। दिल्ली महिला आयोग इस बहुत ही गंभीर और संगीन मुद्दे की तह तक जाएगा। क्या डीसीडब्ल्यू खुद एफआईआर दर्ज कराने जाएगा जो सुसाइड नोट आया हुआ है इसको? 48 घंटे का समय दिया गया है सीबीआई को, जैसे ही उनका जवाब आता है उसके बाद दिल्ली महिला आयोग अपनी आगे की प्रक्रिया इसमें निभाएगा। लेकिन जरूर बात यह है कि इस मुद्दे को दिल्ली महिला आयोग बिल्कुल तह तक जाएगा और इसके ऊपर जो भी एक्शन बनता है हम लोग करवाएंगे। ऑनेस्ट रिपोर्ट।